नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है, इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। सूत्रों ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक के लिए तय एजेंडे में एनपीआर को लेकर प्रस्ताव भी शामिल है। एनपीआर में देश के सामान्य नागरिकों की गणना की जाती है। एनपीआर के लिए सामान्य नागरिकों से मतलब उस व्यक्ति से है जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो और अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना हो। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अब जनगणना 2021 के लिए घरों की सूची तैयार करने के चरण के साथ ही एनपीआर को अपडेट करने का फैसला किया गया है। नए साल और क्रिसमस के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हर जगह तैयारी जोरों पर है, तो वहीं जश्न मनाने के लिए पर्यटक अभी से हिल स्टेशनों का रुख करने लगे हैं। पहाड़ की सर्द हवाएं और मनमोहक दृश्य भी दर्शकों को दीदार करके लिए उत्साहित कर रहे हैं। नए साल और क्रिसमस से पहले ही हिल स्टेशन पर्यटकों को पहाड़ की ओर खींच लाए हैं। इन दिनों भारी तादाद में पर्यटक जनपद पौड़ी के हिल स्टेशनों का रुख करने लगे हैं। बर्फबारी के बाद हिमालय का मनमोहक दृश्य पर्यटकों का मन भी मोहित कर रहा है, तो वहीं पहाड़ में विंटर वेकेशन मनाने आए टूरिस्ट को पहाड़ की वादियां कुछ इस कदर पसंद आ रही हैं कि पर्यटक इन वादियों को और ऐसे यादगार पलों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो कई पर्यटक पहाड़ के मनमोहक दृश्यों के बीच सेल्फी ले रहे हैं। पर्यटकों को पहाड़ इस कदर पसंद आ रहे हैं कि वे 31st और न्यू ईयर के साथ ही क्रिसमस का जश्न पहाड़ की वादियों के बीच मनाना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि अभी से पर्यटक पौड़ी जनपद के खूबसूरत हिल और पर्यटन स्थल लैंसडाउन पहुंचने लगे हैं। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा समेत कई स्थानों से पर्यटक लैंसडाउन पहुंच रहे हैं, और इस विंटर फेस्ट में न्यू ईयर और क्रिसमस की पूरी प्लानिंग भी इन्हीं वादियों के बीच की जा रही है। हम लोग मेरठ से आए हैं, हम यहाँ पे अभी यहाँ का वेदर देखने के लिए आए थे, अभी हम यहाँ पे वापस से आएंगे क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, और हम 31st में और आएंगे और लैंसडाउन को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत सुंदर जगह है ये, यहाँ आते रहना चाहिए। मैं सभी लोगों को बोलूंगी कि सभी लोग यहाँ पे अच्छे से आए और रहे और मजे करें। जहाँ पर्यटक क्रिसमस और न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं वे स्नोफॉल का भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लैंसडाउन में GNVM का रिजॉर्ट टिप एंड टॉप में अभी 90% से बुकिंग फुल हो चुकी है। लैंसडाउन में पर्यटक भुलाताल में बोटिंग का भी जमकर आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं ऊंचाई से हिमालय के और भी नजदीकी दीदार के लिए टेलीस्कोप की मदद ली जा रही है। पौड़ी में हुई बर्फबारी के बाद सर्दी भी थोड़ा बढ़ गई है। लैंसडाउन पहुंच रहे पर्यटक भुलाताल में बोटिंग के साथ ही टिप एंड टॉप की तस्वीरें भी जमकर ले रहे हैं। वहीं SSB कैंट एरिया समेत कई स्थानों के प्राकृतिक नजारों का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। लैंसडाउन से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर पर्यटक ताड़केश्वर धाम समेत कई नजदीकी मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ आने के बाद, और हम फिर से यहाँ आना चाहते हैं। तो यहाँ की पहाड़ों की लाइक अभी कुछ चीज़ें हम वन टाइम में नहीं कवर अप कर पाए हैं, जो हम 31st को आएंगे, 31st की नाइट यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, और जो चीज़ हम अभी नहीं देख पाए हैं देन वील सी योर नेक्स्ट टाइम। लोग आए हैं यहाँ UP से, मेरा नाम है नितिन त्यागी, भैया का नाम प्रताप चौहान, भैया है मेरठ से। हम लोग यहाँ आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, और आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का। हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आएँ, और लोगों से भी लेकर आते हैं हम लोग, और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ से मतलब पॉल्यूशन से और सब चीज़ से दूर हटके यहाँ पर आके इंजॉय भी करें और यहाँ पे इस यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें। न्यू ईयर और क्रिसमस पर पर्यटकों के आने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, और कई होटल कारोबारी जश्न की तैयारियों में जुट चुके हैं।
पर्यटकों के वीकेंड को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाने का प्लान भी होटल कारोबारी बना चुके हैं। इन होटल्स में 70% से अधिक की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन हो चुकी है। पर्यटकों का मन मोहने के लिए कल्चरल प्रोग्राम के साथ ही सॉफ्ट म्यूजिक और बोनफायर, बर्ड वॉचिंग जैसे तमाम कार्यक्रमों का प्लान GNVM और होटल कारोबारी बना चुके हैं। लिहाजा न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर पर्यटक खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि सैलानी ऑलमोस्ट सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए, तो उसके लिए जो हम ऑफर दे रहे हैं वो ये है कि कुछ सांस्कृतिक का कार्यक्रम भी हो जो उत्तराखंड के सभ्यता और संस्कृति को भी दिखाएं। उसके साथ साथ जो एक बॉनफायर है, सॉफ्ट म्यूजिक है, एक लाइव गिटारिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं और DJ वगैरह जो कि आजकल समहाउ ज़्यादा मांगते हैं लोग। बहरहाल टूरिस्ट के विंटर वेकेशन में हिल स्टेशन में बड़ी चहल पहल से कुदरत भी पूरी तरीके से इन टूरिस्ट का मन मोह लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो पर्यटकों की इस चहल पहल से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। न्यूज इंडिया के लिए श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं हौसले अगर बुलंद हो तो आसमान में भी सुराग किया जा सकता है। कुछ इन्हीं हौसलों को समेटी एक दिव्यांग और गरीब परिवार के दो भाई और बहन आज भी संघर्षों से जूझकर कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपने हुनर की एक नजीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिव्यांग होने के बाद भी किस्मत को मात देता ये दिव्यांग और गरीब परिवार पौड़ी जनपद के कोटमंडल गांव का रहने वाला है। बचपन में ही दो भाई और एक बहन किसी कारण दृष्टिहीन हो गए, लेकिन दृष्टिहीनता के बावजूद इसे अपनी कमजोरी ना मानते हुए अपनी ताकत बनाने वाले निर्मल, उनकी बहन और उनका एक भाई आज भी अपने संघर्ष की दर्द भरी कहानी को भी बयां करते हैं। संस्कृति और कला में संघर्ष कर रहे निर्मल, उनकी बहन और एक भाई का हुनर गीत संगीत के क्षेत्र में कमाल का है। दिव्यांग भाई निर्मल के हाथों में साक्षात सरस्वती का वास हो, जिनकी कला हारमोनियम और बांसुरी बजाने में साफ दिखती है, तो वही बहन की सुरीली आवाज मन को छू जाती है, जबकि एक और दृष्टिहीन भाई इन्हीं गीतों में ताल देता है। पर्यावरण को बचाने जैसे गीत संगीतों के साथ उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति को बचाने के लिए ये परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। हालांकि संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे इन दृष्टिहीन परिवारों पर अब तक प्रदेश सरकार की नजर नहीं पड़ी है, जिससे इनके बेहतर मुकाम हासिल करने के सपने आज भी सपने ही हैं। बावजूद इसके इनका ये संघर्ष अब भी जारी है। बड़े भाई निर्मल गीत संगीत के साथ ही रेडियो में क्रिकेट और टीवी में क्रिकेट मैच की इंग्लिश कमेंट्री सुनकर इंग्लिश कमेंट्री अब आसानी से बखूबी कर लेते हैं, साथ ही देश और विदेश में होने वाले कमेंट्री में आसानी से फर्क भी बता देते हैं। इसके साथ ही कई कर्तव्य दिव्यांग जन आसानी से कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान की जो इंग्लिश है वो कैसी होती है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वन डे गेम टुडे, इंडियन कैप्टन विराट कोहली वन डे टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एंड रोहित शर्मा ऑन स्ट्राइक, पर जो फॉरेन आके इंग्लिश बोलता है उसकी कमेंट्री कैसी होती है, वेरी वेरी गुड इनिंग ऑफ विराट कोहली इंडियन कैप्टन एंड ऑन स्ट्राइक विराट कोहली and the fast ball Virat Kohli quick what a shot into the boundary for a cap lovely shot for Virat Kohli। और हम दो भाई और एक बहन जन्म से नेत्रहीन हैं बचपन से ही, और मेरे माँ बाप बहुत गरीबी दैनिक स्थिति में हैं, वो बचपन से ही हमें मतलब दो तीन भाई बहन जब नेत्रहीन हुए तो माँ बापों को बड़ी दिक्कत हुई होगी और माँ बापों ने हमारे लिए बहुत कष्ट झेले काफ़ी, मतलब हमारे भरण पोषण करने के लिए जैसे तैसे करके उन्होंने हमें मतलब भारत पर वो किया, हमारे लिए मतलब सरकार से भी मांग की लेकिन किसी ने हमारी सहायता मतलब आर्थिक पूर्ण रूप से किसी ने भी सहायता नहीं की। जी मेरे तो ये सिंगिंग करने का इच्छा थी
और मेरे भाई, बड़े भाई ने मुझे यही सिखाया, तब वही मेरी गुरु है मेरे भाई। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपना हौसला कायम रखने वाली इन दिव्यांग भाई बहनों को समाज कल्याण विभाग से 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति के तौर पर पेंशन मिलती है, लेकिन इससे इनका भरण पोषण होना संभव नहीं, इसलिए परिवार आज भी संघर्षों से आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। जी अब क्या बताए, हमारे दैनिक स्थिति बहुत नाजुक है, जिससे हम न इनकी सेवा कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, न हेल्प कर सकते हैं, न इनके लिए सामान ला सकते हैं। इनके लिए जो हारमोन बाजा भी मिल रखा है वो भी निकी जी के हाथों से कोरदार से मिला है, तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसी रूप में भी अगर सुन सके बच्चों की मांग, या हमारे बिना मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पापा हूँ, तो इनके लिए सरकार ये मदद करें कि इनका कुछ स्रोत साधन हो जाए, कुछ रोजगार बनने का, कुछ सामान ले लें, इससे अपने और भी विकलांग भाई हैं उनकी भी मदद मिल जाए, उनके साथ में ग्रुप बन जाए। दिव्यांगों के इस हुनर और प्रतिभा की सुध सरकार लेकर इन्हें बेहतर मंच दिला सके, इसके लिए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के संज्ञान में दिव्यांगों के संघर्ष को बयां किया गया, तो गढ़वाल सांसद ने बताया कि और इवन यही नहीं तो भैरवगढ़ी के अंदर में फंक्शन एक उसमें दर्शन करने गया था, तो जो जिस परिवार की बात कर रहे हैं, बच्चियां और बालक बड़े अच्छे कलाकार और वाद्य जो उनका है वो मैंने सुना देखा है। पारिवारिक स्थिति ऐसी है, थोड़ा वो दिव्यांग भी हैं उसे और शायद और भी इस प्रकार कर रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना, सरकार प्रोत्साहित करी, दिव्यांगों के लिए अलग से योजना पॉलिसी बनाई है और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए भी अलग से दिव्यांग स्कूल ये सब व्यवस्था है और फ्री कोचिंग शिक्षा और उनको नौकरी किस प्रकार का एक हो सकता है मानव के आधार पर होगा, अंधेरे में प्रकाश की रोशनी की तरह संघर्ष करता ये परिवार समाज के लिए एक मिसाल है, और यदि सरकार द्वारा इस परिवार को सहायता प्रदान की गई तो कल ये परिवार देश के लिए भी एक मिसाल के रूप में उभरेगा, जिससे हर किसी को ये सीख मिल पाएगी कि अगर ठान लो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। न्यूज इंडिया के लिए श्रीनगर से संवाददाता मोहन कुमार की रिपोर्ट। मन में देशभक्ति की भावना हो और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सीमाएं आड़े नहीं आती, फिर चाहे आप किसी भी पेशे में हो, किसी भी पेशे में रहकर राष्ट्र प्रेम के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जयपुर के ज्वेलर बंधु ने। जयपुर ज्वेलरी शो में आकर्षण का केंद्र एक ज्वेलरी स्टॉल पर रखा चंद्रयान 2 का ये मॉडल है जो कि इसरो को समर्पित है। ऋषभ गंगवाल और राहुल गंगवाल ने मेहनत और लगन के साथ ये मॉडल शुद्ध चांदी से तैयार किया है और खुद ही इसकी डिजाइन की है। करीब 4 किलो चांदी से तैयार ये चंद्रयान 2 मॉडल भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता को सलामी देता नजर आता है। इस मॉडल के निर्माताओं से और जाना उन्हीं की जुबानी की आखिर क्या सोच है चंद्रयान 2 के पीछे। यूं तो गुलाबी नगरी जयपुर अपनी जेम्स और ज्वेलरी के लिए और साथ ही उसके डिजाइनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जयपुर के आदियोगी ज्वेलर्स ने एक ऐसा मिशन चंद्रयान 2 को समर्पित डिजाइन तैयार किया है जिसकी जयपुर ज्वेलरी शो के अंदर भूरी भूरी प्रशंसा दर्शकों की ओर से भी हो रही है। हमारे साथ में है जयपुर ज्वेलरी शो के अंदर आदियोगी ज्वेलर्स के ऋषभ गंगवाल साहब और उनके भाई राहुल गंगवाल, जिन दोनों ने मिलकर के डिजाइन तैयार किया है और ये डिजाइन है इसरो के मिशन चंद्रयान 2 का। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। क्या सोच थी आपकी इस डिजाइन की? सर हमारी सोच ये थी कि जब इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था हिंदुस्तान से, तो हमारी सोच थी कि हम भी कुछ करें, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। जब वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं 24/7 हमारे देश के लिए रात दिन जाके इतनी मेहनत करते हैं, इतने देश का नाम आज इसरो का नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है सैटेलाइट्स बनाने में, है ना, तो हमने उससे इंस्पायर्ड होके ये चंद्रयान 2 बनाया है हमने मिसाइल। इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट इनेबल किया गया है और इसका वजन तकरीबन 4 kg सिल्वर है, 92.5 सिल्वर में बनाया गया है इस पीस को। इसके अंदर हमने आप देख सकते हैं कि जैसे तिरंगे के कलर दिए गए हैं प्रॉपर, जैसे चंद्रयान 2 मिसाइल में दिए गए थे सारे कलर्स, पूरा का पूरा इसका लुक हमने वैसे ही दिया गया है। और ये आदि उड़ी ज्वेलर्स जो हमारी फर्म है, हमने
मिलके हमने हमारी टीम ने डिजाइन किया है ये। देशभक्ति राष्ट्र भक्ति की भावना से उत्प्रत होकर आपने इसरो को समर्पित ये एक तरीके से किया है, क्या सोच थी इसके पीछे, कैसे मोटिवेशन मिला? सर मोटिवेशन ऐसे मिला कि सर हम देश के लिए कुछ करना चाहते थे, हमारे मन में शुरू से लगन थी कि हम देश के लिए कुछ करें। हम एक ज्वेलर क्या कर सकता है देश के लिए, वो अपनी ज्वेलरी में कुछ बना के ही दिखा सकता है कि हाँ हम भी देश के लिए समर्पित है। आज इससे पहले हमने एक नेकलेस भी बनाया था, इंडियन आर्मी हाउस द जोश हाई सर करके, वो उरी मूवी से इंस्पायर होकर बनाया था। ऐसे ही हम बनाते रहते हैं और हम आगे भी इसको देश के लिए हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे ज्वेलरी में। आपके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का कितना इसमें मोटिवेशन रहा? इसके अंदर हमारे खासकर फादर का बहुत बड़ा रोल है, दे आर द मास्टरमाइंड ऑफ दिस पीस एंड वी बोथ टू। उन्होंने हमें शुरू से बोला कि जो भी करें ना देश के लिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा देश के लिए, देश की तरक्की के लिए हमेशा आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ऐसे नया पीस बनाते रहना कि पूरी दुनिया देखे उस पीस को। हमारे साथ में दूसरे ज्वेलर बंधु हैं राहुल गंगवाल, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है अपने भाई के साथ में इस डिज़ाइन को तैयार करने में। इसरो को समर्पित चंद्रयान दो, क्या सोच थी इसके पीछे? सर हमने ये सोचा कि हमें कुछ हमारे जो साइंटिस्ट इतना मेहनत करते हैं, इतने वैज्ञानिक दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं, तो उन्होंने जो सक्सेसफुल जो चंद्रयान टू उन्होंने किया, उसके बाद हमने सोच लिया था कि हमें चंद्रयान टू हमें चांदी में छोटा एक डमी पीस बनाना है, क्योंकि ओरिजिनल तो चंद्रयान इसरो ने बनाया है, तो हमें बहुत श्रद्धा से हमने पीस बनाया है। और हमारा बिल्कुल ये मन था कि ये देशभक्ति के लिए हमने बनाया है, ये पीस बिकाऊ नहीं है और ये 4 किलो चांदी से निर्मित है। और ये पीस में आप देख सकते हैं तिरंगे कलर में इसको हमने मीना किया है एंड इस पर इसरो हिंदी में एंड इंग्लिश में लिखा गया है, जैसे कि चंद्रयान टू में लिखा गया था भारत लिखा गया था। चंद्रयान टू ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी इंडिया की, इंडिया के साइंटिस्ट की। कौन कौन सा वर्क है इसके ऊपर? इस पर टोटली ये चांदी में बना गया है और इस पर सिर्फ मीनाकारी की गई है, टोटली 100 925 सिल्वर में इसको बनाया है हमने और इसका वजन 4 किलो है। दूसरा आपका आदियोगी ज्वेलर्स जो है वो इस प्रकार की चीजें लगातार, पिछली बार भी आपने क्योंकि देश के सैनिकों को समर्पित एक डिजाइन तैयार किया था, इस बार आपने तैयार किया है, आगे आप किस चीज की, किस तरह की चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं? आगे भी हम जो भी बनाएंगे, हम बनाएंगे देश से रिलेटेड, जो भी हम बनाएंगे देश के लिए ही बनाएंगे और देश के लोगों को पसंद आए, पूरी जनता को पसंद आए और आप सबको पसंद आए, वैसा ही काम करेंगे और आगे भी देश के लिए कुछ ना कुछ हम अच्छा बनाते रहेंगे। हम जानकारी लगी है इसरो से भी, आपके जो पूर्व निदेशक वगैरह रहे थे या कई लोगों ने इसको, आपका जो ट्वीट था इसकी सराहना की है? बिल्कुल सर, उन्होंने राधा कृष्ण सर ने एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो, उन्होंने हमारा ट्विटर लाइक किया है और उन्होंने बहुत सराहना की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आगे भी हम कुछ ना कुछ कुछ डिफरेंट बनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से भी आपने कोई अपील? जी हमने उनके ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया है, अभी बाकी उनको उनको उनका क्या रहता है ये वो बताएंगे सर। तो ज्वेलर जो हैं, ज्वेलर लगातार अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन जो ये ज्वेलर्स हैं ये देश प्रेम की भावना के साथ में इन्होंने चंद्रयान दो का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया है, शुद्ध रजत से बना हुआ ये डिज़ाइन है, इसमें मीनाकारी का काम है, इनेमल इसको किया गया है और चंद्रयान दो का सेम डिज़ाइन जो है उसको अपने शॉप पर रखा गया है। दूसरी ओर इनका कहना ये है कि लगातार देश प्रेम को लेकर के जो ज्वेलर्स हैं वो भी आगे आए और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं यदि वो करते हैं, इस प्रकार के आइटम्स बनाते हैं तो ग्राहकों का एक अच्छा रेस्पॉन्स उसको लेकर के देखने को मिलता है और अपने वर्क के जरिए अगर हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। कैमरामैन नरेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।